Hello students, today we'll observe when we add the zinc granules to the copper sulfate solution what happens. ये copper sulfate के crystals है जो कि blue color की एक वाच glass में रखे हुए हैं और ये इस filter paper के ऊपर zinc granules है जो कि grey color का होता है. तो सबसे पहले हम इस copper sulfate को water में dissolve करके इसका solution बनाएंगे. तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने इसका सॉल्यूशन बना रखा है और इसको यदि आप देखना चाहते हैं कैसे बनता है कैसे डिसॉल्व होता है तो ये एक अति स्पेचुला किसी भी सॉलिड केमिकल को हम इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए हम ये काम में लेते हैं लेबोरेटरी के अंदर. इसको आप इसमें डालिए और ये है स्टीरर लास्ट रोड और ये आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. कौन सा कलर है ये? दिस इज आल्सो ब्लू इन कलर. ओके इसको आप डिसॉल्व करिए और जब ये पूरा डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद इसके अंदर आपको जिंक ग्रेन्यूल्स के दो तीन पीस डालने हैं. ठीक है तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स है इसके मैं ये कुछ पीस इसके अंदर डाल रहा हूं और इस सॉल्यूशन को बिना किसी डिस्टरबेंस के हमें छोड़ देना है कुछ समय के लिए. तो आप देखेंगे इसके कॉपर सल्फेट के कलर के अंदर कुछ चेंज होगा. ओके अभी कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है कि इसमें आपने कॉपर सल्फेट कितना डिसॉल्व कर रखा है. कि आपके पास आधा घंटा भी हो सकता है एक घंटा भी हो सकता है डेढ़ घंटा भी हो सकता है. ओके यदि आप इसको आधे घंटे बाद देखते हैं देखिए आप ये आपको इस तरह से दिखेगा. अब जरा आप कंपेयर करिए इसके अंदर आपको ब्लू कलर डार्क है और इसके अंदर ये थोड़ा ब्लू कलर लाइट हो गया है. ओके और साथ में आपको इसके अंदर कुछ ब्राउन कलर के कुछ क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं ना ब्राउन कलर और ये आपके पास आधे घंटे बाद की पोजीशन है. और यदि इस सॉल्यूशन को आप और भी डेढ़ दो घंटे तक पड़ा रहने देते हैं तो आपको ये इस तरह से बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है कलरलेस सॉल्यूशन आते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर जब आप इसमें जिंक ग्रेनुलर डालते हैं तो धीरे धीरे फेड होता है और फाइनली इट बिकम्स कलरलेस. अब बात आती है इसमें जो जिंक आपने डाला है उसका क्या हुआ. तो इसमें से हम जिंक निकाल के देखते हैं. तो निकालने से पहले भी आप इसको ध्यान से देख सकते हैं इसके अंदर ये कॉपर देखिए आपको ब्राउन कलर में आपको नजर आ रहा होगा लेकिन जिंक के ऊपर यदि आप देखें तो ये जिंक के ऊपर ये ब्लैक कोटिंग के अंदर आपको दिखेगा. दिस इज ए जिंक पीस और इसको मैंने इस फिल्टर पेपर के ऊपर लिया. तो यदि आप इसको ध्यान से देखें तो वैसे कॉपर ब्राउन कलर का होता है लेकिन जिंक के ऊपर ये आपको ब्लैक कोटिंग के अंदर नजर आएगा. ठीक है तो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी कैन कंक्लूड ऐसा क्यों हो रहा है कलर चेंज क्यों हो रहा है. तो आप कह सकते हैं इसके अंदर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर सो जिंक डिस्प्लेसेस copper from copper sulfate solution. So we can say this is a one displacement reaction. Okay? And इसको आप chemical equation form के अंदर ये लिख सकते हैं. Zinc solid form के अंदर है. Copper sulfate solution aqueous form है जो कि blue color का है. और जब ये colorless हो जाता है तो ये zinc sulfate बनता है. और ये copper brown color का होता है. लेकिन जब इसके zinc के ऊपर आप देखते हैं coating तो आपको black नजर आती है. Okay? Thank you.